हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव के बारे में। मेरे एक के बाद एक ये तीन वीडियो लगातार आप देखिए, क्योंकि मैं इस टॉपिक को तीन हिस्सों में बांट करके आपके सामने रखने वाली हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करती हूँ शुड हैव के बारे में, शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी जिसको हम V3 या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से जानते हैं, और स्पोकन इंग्लिश में इसी शुड हैव को हम कहते हैं शुड हैव, जिसको हम लिखते समय शुड हैव या शुड हैव भी यूज कर सकते हैं। और आज इसका मतलब समझते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाइए। तो आइए आप बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्या मीनिंग है शुड हैव या शुड हैव का? अगर इसका मीनिंग हमें जानना है तो क्या है ये? ये एक वो आइडिया है जो कि हम करना चाहते थे वो काम पास्ट में, लेकिन हमने नहीं किया। इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से दूसरों के सामने रख सकते हैं, इसको मैंने दो हिस्सों में बांटकर आपको समझाने की कोशिश की है। व्हाट इज शुड हैव? इट्स लाइक गिविंग एडवाइस अबाउट द पास्ट व्हेन यू से इट टू समवन एल्स। यानी जब आप शुड हैव का प्रयोग दूसरों के लिए कर रहे हैं तो ये वहाँ पर रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस का काम करता है, दूसरों को सलाह देता है, उनके लिए कोई काम या कोई बात रिकमेंड करता है। और दूसरी तरफ इट इज़ अ रिग्रेट व्हाट यू डिड और डिडंट डू व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। दूसरी तरफ शुड हैव का प्रयोग जब आप अपने लिए कर रहे हैं, खुद के लिए आप कर रहे हैं, तो ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ रिग्रेट, इट इज़ अ फीलिंग सॉरी। किस काम के लिए सॉरी फील करना है? जो आपने किया है या जो आपने नहीं किया है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि शुड हैव दो जगह हम यूज कर सकते हैं, दूसरों को एडवाइस करने के लिए, दूसरों के लिए कोई रिकमेंडेशन सामने रखने के लिए या सजेशन देने के लिए, दूसरी तरफ अपने आप के किए गए के लिए रिग्रेट फील करने के लिए। आइए इसको एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। यू शुड हैव कॉल्ड मी व्हेन यू अराइव्ड हियर। दैट मीन्स क्या मैं कहना चाहती हूँ यहाँ? सपोज कीजिए कि मेरा एक फ्रेंड आने वाला था, मैं उसके लिए वेट कर रही थी, लेकिन उसने मुझको कॉल नहीं किया। मैं उसके लिए कह सकती हूँ यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था व्हेन यू अराइव्ड हियर। आई विश सो, मेरी ऐसी इच्छा थी, बट ही डिडंट डू दैट। तो हम यहाँ पर कहेंगे यू शुड हैव कॉल्ड मी। दूसरा, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर। आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, मुझे और ज़्यादा मैं कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, बट आई डिडंट डू दैट, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? आई फेल्ड द एग्ज़ाम एंड आई एम फीलिंग सॉरी अबाउट दिस नाउ। मुझे आज इसके लिए पछतावा है, इसके लिए दुख है कि अगर मैंने और ज़्यादा पढ़ाई कर ली होती जो कि मुझे करनी चाहिए थी और मैंने नहीं की, तो मैं आज परीक्षा में पास होती। I should have gone to bed early. As a result, this was a decision. This was an action. और इस action का decision क्या हुआ? I am not feeling happy. I am not feeling myself fit. क्यों नहीं मैं अपने आप को fit और happy feel कर रही हूँ? Because last night I didn't go to bed time. मैं समय पर अपने बिस्तर पर नहीं पहुँची, और now I am feeling I should have gone to bed अर्ली। ये क्या है? ये एक रिग्रेट है, क्योंकि यहाँ मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, जब मैं ये कहती हूँ तो यहाँ भी मैं सॉरी फील कर रही हूँ, रिग्रेट फील कर रही हूँ, क्योंकि ये दो काम जो मुझे करने चाहिए थे और मैंने नहीं किए। एक और एग्जांपल देखते हैं, शुडेंट हैव। यहाँ क्या है? शुडेंट हैव। ऊपर क्या मैंने यूज किया था?
should have. तीनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं. आई शुडंट हैव ईटन सो मच इन द पार्टी. लास्ट नाइट मैं एक पार्टी में थी जहाँ मैंने काफ़ी सारा खाया. बट नाउ आई एम नॉट फीलिंग वेल. अब मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है. तो मैं क्या सोच रही हूँ अपने बारे में. आई शुडंट हैव ईटन सो मच इन द पार्टी. एज ए रिजल्ट माई बॉडी इज नॉट फिट एट दिस टाइम इन द मॉर्निंग. एक और एग्जाम्पल हम दूसरी कंडीशन सामने देखते हैं जहां हम शुड हैव को यूज कर सकते हैं. हम वहां भी शुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं जहां पर हम ये इमेजिन करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो ये काम अब तक हो गया होता. फॉर एग्जाम्पल हिज ट्रेन शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ. या हम किसका यूज कर रहे हैं, बाय नाउ. उसकी ट्रेन अब तक आ जानी चाहिए थी. ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं कि इफ एवरीथिंग इज ओके हिज ट्रेन शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ. माय ब्रदर शुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय नाउ बट ही हैजंट. ये एक दूसरी कंडीशन सामने है जहां हम ये इमेजिनेशन करते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि ये हो गया होता, हो जाना चाहिए था. मैं अपने भाई से ये इमेजिन करती हूँ, ये उससे विश करती हूँ, ये मैं उससे डिजायर रखती हूँ. माय ब्रदर शुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय नाउ बट व्हाट इज द रियलिटी. लेकिन रियलिटी क्या है, ही हैजंट फिनिश्ड इट बाय नाउ. उसने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है. तो हम क्या देखते हैं कि शुडेंट का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं और शुड हैव का प्रयोग हम किस तरह से कर रहे हैं. एक और थर्ड कंडीशन मैं आपके सामने रखती हूँ जो कि हम आपसी कन्वर्सेशन में, अपनी टॉकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं. हम क्या कह सकते हैं, आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ. आई एम ए टीचर. मैं एक टीचर हूँ और मैंने कल क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बुरी तरह से डांटा था. एंड नाउ आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दैट ऑफ माई एक्शन. I am sorry, I shouldn't have yelled at my students yesterday. That was wrong of me. मैंने कल अपने students को जो डांटा था वो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो friends, यहाँ हम क्या चीज़ notice कर रहे हैं, should have के साथ क्या लगाया हमने, called, studied, gone, eaten, उसके बाद arrived, finished और yet. ये सारे वर्ब किस फॉर्म में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. तो ना तो सिंपल पास्ट ना प्रेजेंट परफेक्ट, हमको शुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है. मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए. और प्लीज जल्दी ही मैं अपना दूसरा वीडियो इससे रिलेटेड जो कि वुड हैव पर होगा, इससे कनेक्टेड है वो, मैं डाल रही हूँ. ओके, अब मिलते हैं बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो पर. थैंक यू.